अथर्ववेद छात्र बल संवर्धन सूक्त 22 ऋषि वशिष्ठ अथर्वा व देवता इंद्र। हे प्रभो, इस मेरे राष्ट्र में जो क्षत्रिय हैं और उनके छात्रता तेज को बढ़ा और इस राजा को सब प्रजा जनों में अद्वितीय बलवान कर। इन हमारे राजा के सब शत्रु निर्बल हो जावें और सब स्पर्धाओं में इनके लिए कोई प्रतिपक्षी ना रहे। प्रत्येक ग्राम में घोड़े और गऊओं में से इस राजा को योग्य कर भार प्राप्त हों। इनके शत्रु निर्बल बन जाएं। यह राजा सब प्रकार छात्र शक्तियों की मूर्ति बने और इनके सब शत्रु दूर हो जावें। इन राजा को सब प्रकार से धन प्राप्त हो। यह राजा सब प्रजाजनों का उत्तम पालन करें। इस राजा में सब प्रकार के तेज बढ़ें और इनके सब शत्रु फीके पड़े। ये दोनों धावा पृथ्वीलोक इसको सब प्रकार के धन देवे। यह राजा सबको प्रिय बने। ईश्वर मनुष्य पशु पक्षी और औषधियों के विषय में भी यह प्रेम रखें। यह राजा ईश्वर के साथ अपना आंतरिक संबंध जोड़ दें, जिससे इनका सदा जय होवे और पराजय कभी ना होवे। यह राजा इस प्रकार मनुष्यों में अद्वितीय बलवान और मनुष्यों के सब राजाओं में श्रेष्ठ होवे। यह राजा ऊंचा बने और इसके सब शत्रु नीचे हों। यह अद्वितीय बलवान ईश्वर का भक्त और विजयी होकर शत्रु का पराभव करके उनके उपभोग के पदार्थ प्राप्त करे। सिंह और व्याघ्र के समान प्रतापी बनकर सब राजाओं से योग्य भोग प्राप्त करें और शत्रुओं को दूर करें। अद्वितीय बलवान प्रभु का भक्त और विजय बनकर शत्रु का पराभव करके उनके धन अपने राज्य में ले आवे। स्पर्धा अहम उत्तरेषु, यह शब्द प्रथम मंत्र में है। यह स्पर्धा का वाचक है। मैं सबसे ऊंचा हूँ, यह इच्छा प्रत्येक मनुष्य में रहती है। मैं सबसे आगे बढ़ूं, मैं सबसे अधिक ज्ञान प्राप्त करूं, मैं सबसे अधिक यश धन प्रभुत्व आदि प्राप्त करके सबसे अधिक प्रतापी यशस्वी और समर्थ बनूं। यह अच्छा हर एक में होती है। धर्म भाव से इस इच्छा का उत्तम उपयोग करके मनुष्य उच्च हो सकता है। इस प्रकार ऊंचा होने के लिए अपने शत्रुओं से अपना बल बढ़ाना चाहिए। शत्रुओं ने जितना विद्या बल कला और हुनर प्राप्त किया है, उससे अपनी विद्या बल कला और हुनर बढ़ जाने से ही मनुष्य की उन्नति हो सकती है। उन्नति का कोई दूसरा मार्ग नहीं है। यह सूक्त सामान्यतः क्षत्रियों का यश बढ़ाने का उपदेश करता है और विशेषतः राजा का बल बढ़ाने का उपदेश दे रहा है। सब जगत में अपना राष्ट्र अग्रस्थान में रहने योग्य उन्नत करना हर एक राजा का आवश्यक कर्तव्य है। हर एक कार्य क्षेत्र में जो शत्रु होंगे, उनको नीचे करके अपने राष्ट्र के वीरों को उन्नत करने से उक्त सिद्धि प्राप्त हो सकती है। हर एक मनुष्य की ऐसी इच्छा होनी चाहिए कि मेरे राष्ट्र के क्षत्रिय वीर बड़े विजयी हों। किसी राष्ट्र के पीछे हमारा राष्ट्र ना रहे। वेद कहता है कि अहम उत्तरेषु, यह मंत्र राष्ट्र के हर एक मनुष्य के मन में जागृत रहे। मैं सबसे आगे होऊंगा, मेरा राष्ट्र सब राष्ट्रों के अग्रभाग में रहेगा। इसकी सिद्धि के लिए हर एक के प्रयत्न होने चाहिए। प्रत्येक मनुष्य अपने गुण और कर्म की वृद्धि की पराकाष्ठा करके अपने आप को और अपने राष्ट्र को उच्च स्थान में लाने का प्रयत्न करे। यह भाव अहम उत्तरेषु पद में है। प्रत्येक मनुष्य में जैसा छात्र तेज रहता है, उसी प्रकार प्रत्येक राष्ट्र में भी रहता है। इस गुण का उत्कर्ष करना, इस गुण के उत्कर्ष से ही शत्रु कम हो सकते हैं। राजा को चाहिए कि वह अपने राष्ट्र में शिक्षा का ऐसा प्रबंध करे, जिससे सब प्रजा एक उद्देश्य प्रेरित होकर सब शत्रुओं का पराजय करने में समर्थ होवे। हर एक कार्य क्षेत्र में किसी प्रकार भी असमर्थता ना हो। विषाम एक वृषम कृणु त्वम, मंत्र संख्या 1। प्रजाओं में अद्वितीय बल उत्पन्न करने वाला तू हो, यह अंदर का तात्पर्य इस मंत्र में है। यही विजय की कुंजी है। राजा का प्रधान कर्तव्य यही है कि वह प्रजा में अद्वितीय बल की वृद्धि करे। यह बल 4 प्रकार का होता है, ज्ञान बल, वीर्य बल, धन बल और कला बल। यह 4 प्रकार का बल अपने राष्ट्र में बड़ा बढ़ा कर अपने राष्ट्र को सब जगत में अग्रस्थान में लाकर ऊंचे स्थान पर रखना चाहिए, तभी सब शत्रुहीन हो सकते हैं।
यहाँ दूसरों को गिराने का उपदेश नहीं प्रत्युत अपने राष्ट्रीय उद्धार करने का उच्च उपदेश यहाँ है। दूसरे भी उन्नत हों और हम भी उन्नत हों, उन्नति में स्पर्धा हो, गिरावट की स्पर्धा ना हो। मंत्र का पद अहम उत्तरेषु है, ना कि अहम नीचेषु। पाठक इस दिव्य उपदेश का अवश्य मनन करें। यह सूक्त अत्यंत सरल है और मंत्र का अर्थ और भावार्थ पढ़ने से सब आशय मनन के सामने खड़े हो सकते हैं। इसीलिए इसके स्पष्टीकरण के लिए अधिक लिखने की आवश्यकता या बोलने की आवश्यकता नहीं है। अथर्ववेद पाप मोचन सूक्त 23 ऋषि ब्रगारह देवता प्रचेतः अग्नि। पांचों प्रकार के मनुष्यों में जो चेतना देता है और विविध प्रकार से प्रकट होता है, उस प्रत्येक के हृदय में ठहर कर प्रकाश देने वाले परमात्मा को हम प्राप्त करते हैं, जो हमें पाप से बचावे। जिस प्रकार हवन किए हुए हवन द्रव्यों को अग्नि सब देवों के पास पहुंचाता है, उसी प्रकार यह महान देव सब दिव्य भाव वालों के पास रहने वाली सुमति हमारे अंतःकरण में स्थिर रहे और हमें पाप से बचावे। प्रत्येक समय सहायता देने वाला, हर एक कर्म में सेवा करने योग्य, बलवान, प्रकाशक, दुष्टों को दूर करने वाला, यज्ञ की वृद्धि करने वाला और जिसके लिए यज्ञ में आहुतियां दी जाती हैं, वह ईश्वर हमें पाप से बचावे। उत्तम प्रसिद्ध सर्वज्ञ सर्वव्यापक सबको चलाने वाला अन्न का दाता जो एक ईश्वर है, उसी की हम प्रार्थना करते हैं कि वह हमें पाप से बचावे। ऋषि लोग जिनके पास से बल प्राप्त करते हैं, जिनकी सहायता से देव असुरों का पराभव करते हैं तथा जिनके आधार से कुटिल व्यवहार करने वालों का पराजय किया जाता है, वह ईश्वर हमें पाप से बचावे। जिनकी सहायता से देवता लोग अमृतत्व प्राप्त करते हैं, जिसने औषधियां मधुर रस वाली बनाई हैं, जिसने देवता लोगों में आत्मिक बल भर दिया है, वह देव हमें पाप से बचावे। भूत भविष्य और वर्तमान समय में प्रकाशित होने वाला यह संपूर्ण विश्व जिसके शासन में रहता है, उसकी मैं स्तुति प्रार्थना और उपासना करके याचना करता हूँ कि वह परमेश्वर हमें पाप से बचावे। पाप से मुक्ति, मनुष्य में पाप का भाव रहता है जो हर एक की उन्नति के पथ में रुकावट डालता है, इसलिए पाप भाव से बचने का उपाय हर एक को करना चाहिए। यहाँ 23 से 29 ये 7 सूक्त इसी उद्देश्य के आ गए हैं। इन सातों का ऋषि मृगार है। इस ऋषि का नाम अर्थ आत्मशुद्धि करने वाला ऐसा है। इस 23वें सूक्त में अग्नि नाम से बोधित होने वाले परमेश्वर की सहायता से पाप मुक्त होने का उपदेश है। इस पृथ्वी पर पहली प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली शक्ति अग्नि है। अग्नि में प्रकाशता का गुण तथा अन्य नए गुण जो विद्यमान है, वे जिस परमेश्वर ने रखे हैं, वही सच्चा अग्नि का स्वामी है, अग्नि है। इस दृष्टि से यहाँ अग्नि पद का प्रयोग किया जाता है। जो देव सबसे पहले अर्थात जिनके पूर्व का कोई देव नहीं है, जो ज्ञानी है, जो पंच जनों के हृदय में निवास करते हैं, हर एक के अंदर जो प्रविष्ट हुए हैं, जो यज्ञों को बढ़ाने वाले हैं, हर एक समय में जिनकी सहायता से हमारी स्थिति होती है, प्रत्येक कर्म जिनकी पूजा के लिए किया जाता है, जो दुष्टों को दूर करता है और यज्ञ द्वारा जो सज्जनों का संगतीकरण करता है, इस प्रकार दुष्टों का बल घटाकर जो सज्जनों की रक्षा करता है, जो सर्वत्र प्रसिद्ध है, सर्वत्र व्यापक होता हुआ संपूर्ण जगत का जो चालक है, जिसके लिए जैसा अन्न चाहिए वैसा उसके लिए जो उत्पन्न करता है, ज्ञानी लोग जिससे बल प्राप्त करते हैं, क्षत्रिय वीर जिससे शत्रु पर विजय प्राप्त करते हैं, दुष्ट रीति से व्यवहार करने वाले का जिसकी व्यवस्था से पराभव होता है, जो सबको अमृतत्व देता है, जिसने औषधियों में विविध मधुर रस रखे हैं, जिसने आत्मिक बल प्राप्त होता है और जिसका शासन सब भूत भविष्य वर्तमान संसार पर आधारित रीति से चलता है, अर्थात जिसके शासन से बाधा डालने वाला कोई नहीं है, वह एक ही प्रभु इस जगत का पूर्ण शासक है, उसकी उपासना हम करते हैं, वह हमें निश्चय पूर्वक पाप से बचावेगा।
उसके गुणों का मनन करने से और उसके गुणों की धारणा अपने अंदर रखने से ही जो शुभ भावनाएं मन में स्थिर होंगी उससे पाप प्रवृत्ति हट जाती है। इसीलिए परमेश्वर उपासना मनुष्य की अंतः शुद्धि करती है ऐसा कहते हैं, वह बिल्कुल सत्य है। इस अग्नि की विभूति मनुष्य के अंदर वाणी का रूप धारण करके रहती है। अग्निर्वार्ग भूत्वा मुखम प्रविशत, ऐसा ऐत्रेय उपनिषद में कहा है। इससे वाणी से पाप ना करने का निश्चय करना चाहिए। विचार, उच्चार और आचार ये क्रम है। मन से विचार होता है, पश्चात वाणी से उच्चार होता है और नंतर शरीर से कर्म होता है। इससे स्पष्ट है कि विचार के पश्चात उच्चार का पातक होता है। पाठक अपने ही पास के संसार में देखेंगे तो उनको पता लग जावेगा कि वाणी का प्रयोग ठीक रीति से ना होने के कारण ही जगत में कितने झगड़े और पाप हो रहे हैं। यह बात तो सबके परिचय की है, वाणी का योग्य उपयोग करने से प्रचंड अनर्थ टल जाते हैं। इसीलिए जो पाप से बचना चाहते हैं वे अपने वाणी को सबसे पहले शुद्ध करें और पाप से बचें। अब अगला सूत्र देखिए। सुक्त 24, ऋषि मृगारह देवता इंद्रह, सब जगत के प्रभु का हम ध्यान करते हैं, उनके गुणों का हम मनन करते हैं। वह शत्रुओं का नाश करने वाला प्रभु है, उनके प्रशंसा के स्तोत्र ही हमारे मन के सम्मुख आते हैं। निसंदेह वह सत्कर्म करने वाले दानी महोदय की प्रार्थना सुनता है, वह हमें पाप से बचावे।